विदेशों में जाकर बसने की लालसा हर किसी में होती है। आजकल हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे विदेशों में जाकर सेटल हो। खासकर हमारे पंजाबियों में हर किसी परिवार के कोई ना कोई व्यक्ति विदेशों में सेटल है और हर कोई विदेश में जाकर बेहतर भविष्य बनवाने की कामना करता है। पर आजकल विदेश जाने का एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है। परिस्थिति ऐसी आजकल हो गई है कि देश के अच्छे खासे लोग जो संपन्न और पैसे वाले हैं भारत को छोड़ विदेशों में नागरिकता ले रहे हैं। क्या कारण हो सकता है कि पैसे वाले लोग भी विदेशों की ओर भाग रहे हैं? हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु। सरकार ने संसद में दी एक अहम जानकारी के अनुसार पिछले एक साल में 2.25 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है और यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। प्रदेश में तिरंगा देखकर हम गर्व से भर जाते हैं। जब हमारे भीतर देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा हो तो लाखों की संख्या में भारतीयों के देश छोड़ने की खबर हैरान करती है। सवाल यह इसलिए उठ रहा है कि सरकार ने संसद में बताया है कि पिछले साल 2021 में करीब 2.25 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है और 2015 से लेकर 2021 तक 7 साल में 9.25 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ प्रदेशों में बस चुके हैं। वैसे तो हर शख्स के लिए अलग अलग वजह हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों के विदेश छोड़ने की प्रमुख वजह क्या हो सकती है? और चौंकाने वाली बात है कि ब्रिटिश फर्म की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ सालों में 8,000 भारतीय करोड़पति विदेशों में शिफ्ट हुए हैं और इन करोड़पतियों की भारत से पलायन होने की प्रमुख वजह टैक्स से जुड़ा सख्त नियम बताया गया है। गौर करने वाली बात है कि ये लोग उन देशों में जाना चाहते हैं जहां का पासपोर्ट ज़्यादा पावरफुल माना जाता हो और इसके अलावा बेहतर लाइफस्टाइल और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की चाह में कई भारतीय विदेशों में बसना चाहते हैं। और कुछ कारण देश की अर्थव्यवस्था, क्राइम, करप्शन, पॉलिटिकल, जो आज की सरकार से नाखुश होने के कारण भी लोग विदेशों में बस रहे हैं और आजकल भारतीय विदेशों में बसने के लिए ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं। ऐसे में युवा भारतीय अच्छी नौकरी या बिजनेस निवेश के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। ऐसे कई भारतीय हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर अच्छा खासा नाम कमाया है। ऐसे में लुलु मॉल के मालिक का भी जिक्र देखने को मिलता है, जो केरल के त्रिशूल के रहने वाले यूसुफ अली ने आज से 22 साल पहले 2000 रुपये में लुलु हाइपर मार्केट की शुरुआत की स्थापना की थी। आज वह UAE के नागरिक हैं और आपको कई लोगों की ऐसी उदाहरणें मिल जाएंगी जिन्होंने भारत से बाहर जाकर अपना नाम बनाया है। ऐसा भी नहीं कि भारतीय हाल के वर्षों में ही विदेशों में बसना शुरू हुए हैं, यह पलायन तो दशकों से जारी है, मगर साल दर साल ये संख्या बढ़ रही है। 2019 से लेकर 2021 के दौरान नागरिकता छोड़ने वाले 3,92,000 लोगों में से 43% लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, जो सरकार ने अपने आंकड़े दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3 सालों में 58,391, कनाडा में 64,071, ब्रिटेन में 35,435, जर्मनी में 6,690 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ इन देशों में बसे हैं। इसके अलावा इटली में 12,131, न्यूजीलैंड में 8,882 भारत की नागरिकता छोड़ इन देशों में अपनी नागरिकता ली है। आपको एक बात और हैरान कर देगी, 48 भारतीयों ने पाकिस्तान की भी नागरिकता ली है, जहां भारत की पुरानी पीढ़ी के उद्योगपति देश में ही जमे हुए हैं, लेकिन आज की नई पीढ़ी के उभरते बिजनेसमैन अपने कारोबार को विदेशों में प्रसार करने के लिए बाहर का रुख कर रहे हैं। वे देश की सीमाओं के बाहर भी जाकर अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं और यह उन देशों में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं जहां उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार में फ़ायदा मिल सके। और यही वजह है कि भारतीयों की पसंदीदा जगहों में से अमेरिका, यूरोप, दुबई और सिंगापुर जैसे देश हैं। आजकल बिजनेस सेटअप ऐसा बन गया है कि आप चाहे विदेशों में रहते हो पर आप ग्लोबली पूरी दुनिया में अपना बिजनेस ला सकते हो। ऐसे कई देश हैं जो अपनी दोहरी नागरिकता भी देते हैं, जैसे न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, रूस, ऐसे और भी कई देश हैं जो अपनी दोहरी नागरिकता देते हैं। हालांकि भारत में दोहरी नागरिकता की छूट नहीं है। ऐसे में जिन भारतीयों ने विदेश की नागरिकता लेनी होती है
तो उन्हें अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करवाना पड़ता है। कुछ साल पहले भारतीय सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए OIC कार्ड भी जारी किए हैं, जिसे लेकर विदेश के भारतीय स्वदेश वापस आ सकते हैं और उन्हें वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। जहां भारतीय देश छोड़कर विदेश में बस रहे हैं, ये तो चिंता का विषय है ही। इससे एक अच्छी बात और निकल कर आती है, जिस पर हम गर्व भी कर सकते हैं, और इससे पता लगता है पलायन से अच्छे परिणाम भी निकल सकते हैं। ट्विटर से लेकर गूगल, पेप्सिको, माइक्रोसॉफ्ट और मास्टर कार्ड जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें भारतीय लीड कर रहे हैं। कह सकते हैं कि भारतीयों का दमखम पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों, विदेश में बैठे प्रवासी भारतीय देश का एक और फायदा करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 और 19 में विदेश में काम करने वाले हमारे प्रवासी भारतीयों ने $90,450 मिलियन हमारे देश में भेजे हैं, और ये हिस्सा भारत की GDP का 2.9% है। इसी वजह से विदेशी मुद्रा भेजकर प्रवासी भारतीय देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान देते हैं। बता दें, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां विदेशों में रहने वाले नागरिक सबसे ज्यादा भारत में अपना पैसा भेजते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी मदद करते हैं, और साल दर साल विदेशों से पैसा आने की दर बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।